जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह आपका आना, बैठना, सुनना और हमारा सुनाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु। अम्मा बाद, ला नबुव्वता बादा नबुव्वतिही व ला रिसालता बादा रिसालतिही ولا شريعة بعد شريعته ولا معتوم بعد اسمته ولا سنة بعد سنته ولا أمة بعد أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم هر قسم کی حمد و ثنا किब्रियाई भड़ाई यकताई शहनशाही बादशाही उस रब्बे अब्दुल समा के लिए। और आपने आप जिस महफिल के अंदर आके बैठे हुए हैं इसका इनकाद किया गया है, इसको उनवान दिया गया है शान सहाबा व अहले बैत, अजमत सहाबा व अहले बैत। समझ आ रही है मेरी गल दी? करीब करीब हो जाओ जरा। और मैं अक्सर कहा करता हूं ये लाजमी नहीं है कि बंदे ज्यादा हों तो सुभान अल्लाह की सदा तब आती है, बंदे बहुत ज्यादा हों संभाले ना जा रहे हों ठाठे मार रहा हो समंदर और पता ना चल रहा हो बैठने की जगह ना मिल रही हो फिर सुभान अल्लाह की सदा आती है, ना बाबा ना, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आज एक बात याद करके ले जाओ, जहन की तख्तियों पर लिख कर ले जाओ, बंदे चाहे सो हो चाहे एक हो, जुबान सबको रब ने दी है, सांस सबको रब ने दी है, 360 जोड़ सबके रब ने बनाए हैं, सब कुछ उस रब का बनाया हुआ है। जो जो अपने रब को जानता है, अपने रब को पहचानता है, उसकी जुबान से तो सुभान अल्लाह निकलेगा ना, उसकी जुबान से तो रब्बे कायनात की तारीफ निकलेगी ना, उसकी जुबान से तो अपने रब का नाम निकलेगा, उसकी जुबान से तो अपने रब का नाम बुलंद होगा। अब मैंने आपको देखने केड़ा केड़ा बंदा सुभान अल्लाह आंदे किन्नू किन्नू आंदी है, जिन्नू नहीं आंदी वो एक दूजे नु याद करा लो तो याद रखिया जे। अगर कोई सुबह पूछ ले ना कि मरकज अहले हदीस जल्लो मोड़ के अंदर वो जो नकीब था, वो जो स्टेट सेक्रेटरी था, वो चीख चीख कर क्या कह रहा था, कहना पता नहीं, बाकी सुभान अल्लाह याद करा गया। आखो सुभान अल्लाह, बोलो तो सही, क्या याद करवा गए? सुभान अल्लाह याद करवा गए। और आपको जुमला समझ आ जाए तो आपकी जुबान खामोश नहीं रहनी चाहिए। आज हमने जिक्र रसूल करने, हमने जिक्र सहाबा करने, रब्बे कायनात की तारीफ करनी है और हर किसी की जुबान पर जिक्र जारी हो जाना चाहिए। और वो अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करते हैं, वो तरह तरह का जिक्र करते हैं। आज मैंने आपकी जुबानों पर भी जारी करने जिक्र सुभान अल्लाह। अब बच्चा भी बोले, बूढ़ा भी बोले, जवान भी बोले, जो मुझे जानता है वो भी बोले, जो नहीं जानता वो भी बोले, आखो सुभान अल्लाह। अब मैंने आपकी समातों के हवाले जुमले रखने, माशाल्लाह बहुत चेहरे ऐसे नजर आ रहे हैं जिनको मैं जानता हूं। आपका आना मुबारक हो, अहलन व सहलन मरहबा, मैं नाम नहीं हर किसी का ले सकता। और कुछ जुमले आपकी समातों के हवाले रखने लगा हूं, किसकी? उसकी हमद के, कि मैं उसकी हमद करता हूं, मैं उसकी हमद करता हूं, मैं उसके दर का मंगता हूं कि जिसके दर पे जाकर हर उदासा ठहर जाता है। आखो जो जो बंदा मंगता है वो ते बोले ना, और रब दे मंगते बोलो, मैनू और कहीं मंगता नहीं चाहिदा, कि मैं उसकी हमद करता हूं, मैं उसके दर का मंगता हूं कि जिसके दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है, जो दुखियारों की सुनता है, जो बिछड़ों को मिलाता है, जो हर मंगते को देता है, जो हर मंगते खटाता है, जो हर मंगते को देता है, जो हर मंगते खटाता है, नहीं तफरीक उसके हाँ वो सबके काम आता है, नहीं तफरीक उसके हाँ वो सबके काम आता है, मुझे जो भी जरूरत हो उसी के दर से लाता हूँ, मुझे जो भी जरूरत हो उसी के दर से लाता हूं, मैं जब कासा उठाता हूं उसी के दर पे जाता हूं।
जेड़ा कासा चुक के जेड़ा झोली फैला के रब को मंगदे औलाद मंगदे ते रब को रिजक मंगदे ते रब को दौलत मंगदे ते रब को एक एक चीज जेड़ा बंदा रब को मंगदे ओ ते बोले ना कि जब मैं कासा उठाता हूं मैं जब कासा उठाता हूं उसी के दर पे जाता हूं क्यों इलावा है खुदा वो है अहद वो है समद वो है शिराकत उसमें जो समझे ओ अकीदा ले जाओ मैं अकीदा लेके आया करता हूं शिराकत उसमें जो समझे है मुशरिक ना बलद वो है हकीकत में नहीं जिसका हर किस कोई बलद वो है मुझे जो भी जरूरत हो उसी के दर से लाता हूं कि सच शुक्र की जरूरत सुबह हमदे खुदा है आंखों आंखों मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आ रही खुदारा मेरा यहां पर आना वक्त जाया ना हो या अल्लाह ये रात सवाब वाली रात लिख दे मेरी आपको समझ आ जाए तो मेरे लिए यही सदका जारिया है कि सद शुक्र के यूं विरद जुबा हम दे खुदा है हमद करो जरा रब दे हमद करो खोल के आंखो सुभान अल्लाह कि सद शुक्र के यूं विरद जुबा जुमले सुनिएगा समझिएगा आने जाने वालों को ना देखो आ खुदारा ओ अल्लाह वाले ओ इधर देखो कि सर शुक्र के यूं विरद जुबा हमद खुदा है हर किसी की जुबान पे हमद जारी हो जाए हर किसी की जुबान पे रब का नाम जारी हो जाए अब आपने जुमले सुनने हैं कि सर शुक्र के यूं विरद जुबा हमद खुदा है अल्लाह सबसे बड़ा सबसे बड़ा और ये तो हमारे नर्सरी के बच्चों को पढ़ाया जाता है मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको बता रहा हूं अल्लाह सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा है ये रंग ये खुशबू ये फिजाएं ये बहारें सब उसकी अता उसकी अता उसकी अता है अल्लाह सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा है पांच वक्त मुअज्जिन अजान देकर यही कहते और आइए मैं अपने रब की मोहब्बत आपके सामने रखूं काफिर होके मुशरिक होके मोमिन काफिर होवे तामी मुशरिक होवे तामी मोमन होवे तामी मंदा होए तामी ना मंदा होए तामी काफिर होके मुशरिक होके मोमिन वो सबका खुदा सबका खुदा सबका खुदा है अल्लाह सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा है एक दफा आपने कहना अल्लाह सबसे बड़ा है एक दफा आपने कहना और ऐसा कहना है कि अल्लाह राजी हो जाए कि बस यूं ही लिए जाओ नाम खुदा का जो दिल की दुआ दुख की शिफा गम की जिला है एक दफा बोलो अल्लाह सबसे बड़ा बोलो 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 अल्लाह सबसे बड़ा सबसे बड़ा है कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद दुनिया में है जितने भी लोग एहतराम के काबिल मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद आप तिलावत समाप्त कर रहे थे मरकज हाजा के खतीब फाजले नौजवान हज़रत मौलाना इजाज़ुल हक सदीकी साहब से बहुत ही मसरूर कुन आवाज़ में तिलावत पेश कर रहे थे यकीनन आपका ज़ौक ताज़ा हुआ होगा दामने वक़्त में इतनी गुंजाइश नहीं है मैं अब दावत दे रहा हूँ भाई ना किसने पढ़नी है माशाल्लाह ये हमारे एक बुज़ुर्ग हैं अल्लाह दिता साहब मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो नाते कलाम पेश करें